मैं पागल हूँ क्या, बर्खास्त कर दूंगा। पुलिसकर्मी पर भड़कते अधिकारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हरदोई का बताया जा रहा है। दरअसल हरदोई पुलिस के कुछ सिपाही बस की जगह अपनी निजी कार से चुनाव ड्यूटी पर जा रहे थे। इन पर हरदोई के एसपी केशव चंद गोस्वामी की नजर पड़ गई। फिर क्या था, एसपी साहब ने बीच सड़क कार रुकवाई और सिपाहियों को बर्खास्त करने की धमकी दे डाली, कार को सीज करने का भी आदेश दे दिया। हालांकि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यूजर्स को पुलिस अधिकारी का इस तरह से भड़कना रास नहीं आया। अगर पुलिस कर्मियों से गलती हो भी गई तो इस तरह से भड़कने या फिर उन्हें धमकी देने का क्या मतलब हुआ, सिर्फ बनती कार्रवाई से भी काम चल जाता। लेकिन पुलिस अधिकारी को सड़क के बीचों बीच इस तरह से पुलिस कर्मियों पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। सोशल मीडिया यूजर्स तो इसे पुलिस अधिकारी के अहंकार से जोड़कर भी देख रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स इस पर अधिकारी का समर्थन भी कर रहे हैं क्योंकि पुलिस कर्मियों की ओर से नियम तोड़ा गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मामले पर अधिकारियों ने बताया कि शामली जनपद के लिए बसों से कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को रवाना किया गया, जिसमें कुछ कांस्टेबल बसों से उतरकर अपनी निजी गाड़ियों से जा रहे थे। अधिकारियों ने इसे घोर अनुशासनहीनता माना है। अधिकारियों ने कहा कि उन लोगों के निजी वाहन को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही चुनाव ड्यूटी से लौटने के बाद उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की बात कही गई है। आपको बता दें कि हरदोई में चौथे चरण में यानी 13 मई को वोटिंग होनी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।